दिल्ली विधानसभा चुनाव में वोटिंग की तारीख नजदीक आ चुकी है और 70 सीटों पर 8 फरवरी को वोटिंग होनी है, जबकि नतीजे 11 फरवरी को आएंगे। सभी की नजरें दिल्ली विधानसभा चुनाव पर टिकी हुई हैं। चुनावों में अक्सर नेताओं की साफ छवि और ईमानदारी के चर्चे जोरों पर रहते हैं। सभी नेतागण अपनी साफ छवि का ढिंढोरा लोगों के बीच पीटते नजर भी आते हैं। ऐसे में नेताओं की साफ छवि और ईमानदारी की हकीकत कितनी है, ये आपको आज हम बताने जा रहे हैं। हाल ही में दिल्ली इलेक्शन वॉच एंड एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ने 70 विधानसभा क्षेत्रों के सभी 672 उम्मीदवारों के स्व शपथ पत्रों का विश्लेषण करने के बाद एक लिस्ट जारी की है, जिसमें ये बात सामने आई है कि राजनीति सुधारने का दावा करने वाली आपके 51% उम्मीदवार दागी हैं। आपके 70 उम्मीदवारों में से 36 उम्मीदवारों पर आपराधिक केस दर्ज है। वहीं बीजेपी के 67 उम्मीदवारों में से 70 उम्मीदवार दागदार हैं और कांग्रेस के 66 उम्मीदवारों में से 13 उम्मीदवारों पर आपराधिक केस दर्ज हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में खड़े कुल 672 प्रत्याशियों में से 133 के खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज हैं। एडीआर के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली विधानसभा चुनाव में आपके 25% प्रत्याशी, भाजपा के 20% प्रत्याशी और कांग्रेस के 15% प्रत्याशियों ने खुद ही अपने चुनावी हलफनामों में ये घोषणा भी की है कि उनके खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इस बार के विधानसभा चुनाव में 95 राजनीतिक दल चुनावी मैदान में हैं। एडीआर की रिपोर्ट की अगर प्रतिशत में बात की जाए तो आपके 70 उम्मीदवारों में से 60%, बीजेपी के 39%, कांग्रेस के 27%, बीएसपी के 18% और एनसीपी के 60% के खिलाफ आपराधिक मामले हैं। 672 उम्मीदवारों में से 210 राष्ट्रीय पार्टियों में से हैं और 90 स्टेट पार्टियों से हैं। 224 पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दलों से हैं और वहीं 148 उम्मीदवार स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि 2015 में दिल्ली विधानसभा चुनाव में 71 राजनीतिक दलों ने चुनाव लड़ा था। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।